मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी का शुरू से है, अभी भी आगे भी रहे। देश में मोदी जी का विकल्प मोदी फाइड व्यक्ति नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन। हमारा राष्ट्रीय औसत में जो हम 3.5% थे, नीतीश जी के राज में 3.4% हुए हैं। हम बिहार के लोग पीछे गए उनके नेतृत्व में। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं कमलेश। इन दिनों सुधाकर सिंह जब से महागठबंधन की सरकार बनी है लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। जब भी वो कहीं सभा को संबोधित करते हैं तो नीतीश कुमार को घेरे में जरूर लेते हैं, लेकिन आज जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा जो है देश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि मोदी का मॉडिफाई है ये लोग। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार जो है बिहार का विकास करते तो ये स्थिति नहीं रहती। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार से भी हटा देना चाहिए। और भी क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ठीक नहीं चल रही है, यह बात मैं पिछले लंबे 6 महीने से कर रहा हूं, या हम 17 साल विपक्ष में थे तो भी मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार ठीक से नहीं चल रही है। ना ही मंडी कानून बनाने के पक्ष में है, ना हर खेत तक पानी पहुंचाने के पक्ष में है, ना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, केवल वह पद पर बने रहना चाहते हैं, बस एक सूत्री एजेंडा उनके पास। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, अगर आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से अच्छा क्या होगा, अगर देश में मोदी जी का विकल्प, कल एक शब्द मैंने गलती से बोल दिया, मॉडिफाइड, एक्चुअल मॉडिफाइड नहीं था, मॉडिफाइड था वो शब्द, मैं संशोधन कर रहा हूँ, तो देश में मोदी जी का विकल्प मॉडिफाइड व्यक्ति नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन हो जाए। सर, आप मतलब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है या क्या ऐसी बात है? नहीं, नीतीश कुमार से बिहार मॉडिफाइड है, मतलब मोदी का ही अगला वर्षन है। नीतीश कुमार से क्या बिहार नहीं चल रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या बिहार कहाँ चल रहा है? बिहार पीछे जा रहा है विकास के पैमाने पर। आप आर्थिक सर्वेक्षण आने दीजिए, हम 2004 में, हम 2005 में हमने सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ नीतीश कुमार, वहाँ से लेकर बिहार में 0.1% बिहार पीछे गया है। जीडीपी जो जीडीपी को जो बेस लाइन माना जाता है उसमें हमारा जीडीपी घटा है। हमारा राष्ट्रीय औसत में जो हम 3.5% थे, नीतीश जी के राज में 3.4% हुए हैं। हम बिहार के लोग पीछे गए उनके नेतृत्व में। मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता कि उनके नेतृत्व में बिहार आगे गया है कृषि क्षेत्र में। यात्रा पे जा रहे हैं सर, उनकी जो भी यात्रा करें, यात्रा पे सवाल नहीं, लोकतंत्र में सभी लोग को यात्रा और भाषण देने का अधिकार है, वो ये करें, इसके लिए मेरी कोई आपत्ति नहीं। क्या नीतीश कुमार को विकास हो रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। मैंने कहा कि जिस ब्रिटिश प्रणाली से हम संविधान को अंगीकार किए थे, हमने स्वीकार किया था, वहाँ अपने 4 प्रधानमंत्रियों को पार्टी ने बदला है पिछले 4 सालों में। भारत में क्यों नहीं हो सकता, बिहार में क्यों नहीं हो सकता? जब मर्जी बने, हमारा वोट उनके लिए है। ये पार्टी तय करेगी कब क्या होगा। मेरी राय मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी का शुरू से है, अभी भी आगे भी रहे। जेडीयू मैं सत्ता लोभियों का एक झुंड है, वो सत्ता के लोभ में चिपके हुए लोग हैं, वो क्या बात करेंगे, कोई वैचारिक आधार पर बनी पार्टी नहीं है वो। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।